तो व्हाट्स अप गाइस, आज की इस वीडियो में हम सरवाइव करने वाले हैं पूरे के पूरे 100 डेज एज अ गोकू। और अगर तुम्हें गोकू या फिर ड्रैगन बॉल के बारे में पता नहीं है तो तुम जाके ये देखो। और ये वाली वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें तुम्हें ड्रैगन बॉल के सभी कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। और एज अ गोकू मेरे कुछ एम्स यही होने वाले हैं कि फर्स्ट मुझे अचीव करनी है गोकू की सभी के सभी फॉर्म्स, चाहे वो सुपर सैयन ब्लू हो या फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और सेकंड, मुझे मारना है इस वर्ल्ड के बहुत से खतरनाक बॉसेस को। और तुम्हें क्या लगता है कि क्या इन 100 डेज में मैं ये सभी के सभी एम्स को कंप्लीट कर पाऊंगा? जानने के लिए यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताना कि तुम्हारा फेवरेट एनिमे कौन सा है। तो चलो शुरू करते हैं इन 100 डेज की जर्नी को। सो यो, डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था एज अ गोकू। और कुछ भी कहो यार, ये वाला कैरेक्टर काफी खतरनाक है। और साथ ही साथ जो ड्रैगन बॉल जी एनिमे है गाइस, वो तो कुछ ज्यादा खतरनाक है। होप कि तुम सभी ने देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो गाइस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, होप कि तुम्हें कुछ आइडिया हो जाए। तो जैसी डे 1 की शुरुआत हुई तो यार सबसे पहले तो मैंने वही काम किया जो कि सभी करते हैं, यानी कि वर्ड जॉब करना। ये सबसे बेकार काम है, पर ये वाला वर्ड पूरा का पूरा मोड से भरा पड़ा है। और गाइस इस वाले वर्ड में काफी अजीबोगरीब चीज होने वाली है। तो गाइस जैसी डे 1 की शुरुआत हुई, मेरे सर के ऊपर एक साइन आ चुका था और वो था एक बॉस का। और उसके बाद अब टाइम आ चुका था कुछ खाना कलेक्ट करने का। और जैसी मैंने उस वर्ड को थोड़ा और बहुत एक्सप्लोर किया, मुझे मिल चुका था एक विलेजर। प्लीज हमारी मदद करो, हमारी विलेज पर बहुत सारी ज़ॉम्बीज ने अटैक कर लिया है। और गाइस जैसी मैंने उस विलेजर की ये वाली बात सुनी, देखो मेरे पास अभी गोकू की एक भी पावर नहीं है, पर मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझे इनकी हेल्प तो करनी ही थी। और साथ ही साथ मेरे रास्ते में मुझे एक तलवार वाला आदमी मिला जिसने कि मुझे इग्नोर कर दिया। पर चलो कोई ना, देखो पहले तो मेरा यही एमओ होने वाला है कि मुझे इनके विलेज में जाना है और साथ ही साथ मुझे इन सभी के सभी विलेजर की जान बचानी है। और गाइस जैसी मैं इनके विलेज में गया गाइस, यहाँ पर चारों ओर काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज थे। तो पहले तो मैं घर में घुसा, और जैसे ही मैं उस घर में घुसा गाइस मुझे मिल चुका था एक अजीब सा मॉब। और जैसे ही मैंने उस घर के आसपास देखा, साथ ही साथ मुझे मिल चुकी थी एक चेस्ट भी। और उस चेस्ट में गाइस मुझे खतरनाक वाली पावर मिली है, और आई थिंक अब मैं उन सभी ज़ॉम्बीज को मार सकता हूं। और गाइस जैसे ही मैं बाहर गया, वहां पर लिटरली काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज थे, और साथ ही साथ एक बंदा इन विलेजर की हेल्प भी कर रहा था। पर जैसे ही मैं आया गाइस, मैंने बहुत मेहनत करके बहुत से ज़ॉम्बीज को मार दिया, और अब मैं विलेजर्स का हीरो बन चुका था। और जैसे ही मैंने उन सभी मॉब्स को मारा गाइस, इस विलेज के सभी विलेजर्स मेरे पास आ गए, और उन्होंने मुझसे कहा, तुमने हमारे विलेज को प्रोटेक्ट किया है और इसलिए हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। और गाइस जैसे ही मैंने उन सभी मॉब्स को मार दिया गाइस, इस विलेज के विलेजर ना काफी ज्यादा अच्छे है क्योंकि उन्होंने मुझे दे दी थी सुपर सैयन की पावर्स, और मैं फाइनली बन चुका था सन गोकू। और अब तो इस वाली जर्नी में और भी ज्यादा मजा आने वाला है, और अब मुझे कन्वर्ट होना है सुपर सैयन 2 में। और गाइस जैसे मुझे गोकू जी की पावर्स मिली, मेरे पास आ चुकी थी एक KI फॉर्म, मतलब कि देखो ये ना कामेहामेहा का बस जो भी बोलते हैं उसका ये छोटा रूप था। और हाँ, अगर मुझे सुपर सैयन 2 में बदलना है तो मुझे बहुत से मॉब्स को मारना होगा, और इसलिए मैं निकल पड़ा था एक जर्नी पे। डे 3 की रात को जैसे ही मैं जंगल में पहुंचा गाइस, मुझे मिल चुका था एक बहुत ज्यादा बड़ा टेंपल। और गाइस जैसे ही मैं उसके अंदर गया, वो टेंपल तर काफी सही था, और वहां पर मुझे एक अजीब सा आदमी मिला, और वो वाली रात मैंने वहीं पर बिताई है। और साथ ही साथ गाइस उस जंगल में बहुत से कीड़े मकोड़े, पौधे, बहुत सी अलग अलग चीजें थी, और साथ ही साथ वो सभी के सभी मॉब्स काफी खतरनाक थे। पर गाइस मैंने ना उन सभी के सभी मॉब्स को ना चुन चुन कर मारा है। और डे 3 से डे 5 तक मैं फिर से निकल चुका था मॉब्स हंटिंग पर, क्योंकि देखो यार मेरे अंदर ना पेशेंस नामक चीज ही नहीं है, क्योंकि देखो यार मुझे ना गोकू भाई की अगली फॉर्म जल्दी से चाहिए थी। और गाइस जैसी मैं थोड़े और आगे बढ़ते गया गाइस, मुझे मिल चुका था एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कैसल, और उस कैसल के सामने गाइस काफी खतरनाक मॉब्स आ चुके थे। तो पहले तो मैंने उन सभी अजीबोगरीब मॉब्स को मारा, और गाइस जैसे ही मैं कैसल के अंदर आ चुका था, मुझे मिल चुका था वहां पर मेरा पहला बॉस साइक्लॉप्स। और जो गाइस ये साइक्लॉप्स है, ये काफी खतरनाक बंदा है, देखो इसकी एक ही आंख है
पर कुछ भी कहो यार ये मॉब काफी ज्यादा हॉरर है। पर मैंने जैसे जैसे करके और अपनी कई पावर से इसे मार दिया और अब जैसी मैंने अपने आप को देखा गाइस मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका था सुपर सेंट टू मैन। और देखो मैं ना तुम्हें पहले वार्न कर रहा हूँ मुझे फॉर्म्स का नहीं पता। और गाइस जैसी मैं उस कैसल से थोड़े और बाहर आया मुझे मिल चुके थे बहुत ही वियर्ड वियर्ड मॉब और ना चाहते हुए भी मुझे उन सभी को मार नहीं पड़ा। और गाइस जैसी मैंने इतने सारे मॉब्स को मारा मेरा अगला सुपर सेंट वाला लेवल खुल चुका था और मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका था नेक्स्ट सुपर सेंट मैन डे 5 से डे 10 तक मैं ऐसी किसी चीज की तलाश कर रहा था और मैं सोच रहा था कि होप मुझे नई नई पावर्स मिल जाए और साथ-साथ फ्लाइंग लिम्बस भी। पर मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। और हाँ क्या तुम्हें पता है कि मुझे ड्रैगन बॉल जी में सबसे पावरफुल कैरेक्टर का बीर अच्छी लगता है। और तुम लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। भाई मेरा तो लॉर्ड बीरस है। और गाइस जैसी मेरे और आगे आगे बढ़ रहा था एक प्लेयर ने एक अजीब सा घर बना दिया था पर यहाँ पर वो प्लेयर था ही नहीं। और डे 7 को मुझे पता चल चुका था एक ऐसे कैसल के बारे में जहाँ पर कि मुझे बहुत से मॉब्स मिलने वाले हैं और जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे अपना नेक्स्ट बॉस यहीं पर मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो मैंने अपने लिए एक बो बनाया क्योंकि देख पा रहे मुझे ना माइनक्राफ्ट का सबसे खतरनाक वेपन लगता है बो। और अब मैंने शुरू कर दिया था ढूंढना एक कैसल को और आखिरकार डे 15 को यार मुझे वो कैसल मिल ही चुका था। और साथ ही साथ मुझे उस कैसल तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा मॉब्स को मारना पड़ा है। और बस जैसी मैं उस कैसल के अंदर पहुंचा तो पहले तो मुझे बहुत सारे अजीबोगरीबो हेड्स मिले मॉब्स के और जहां तक मुझे लगता है गाइस ये वाला कैसल विचेस का है। और साथ ही साथ जब मैं थोड़े और आगे आगे बढ़ने लगा गाइस मेरे ऊपर हमला कर लिया था बहुत से अजीबोगरीबो लोग ने और जहां तक मुझे लगता है गाइस ये ना हीरो ब्रांड के भाई लग रहे थे मुझे। पर खैर छोड़ो ये मेरा क्या ही बिगाड़ेगे देखो जरा मेरे पास ना लिटरली 1 किलो हर्ट है। और गाइस जैसी मैंने अपनी नजरों को थोड़े साइड में किया मुझे मिल चुकी थी बहुत से अजीबोगरीबो प्लेयर्स के हेड। फिर से मतलब कि देखो जो ये चीज तुम्हें पैंट जैसी दिख रही है ये पैंट नहीं है ये ना अलग अलग प्लेयर्स के हेड की ब्लड है आई थिंक तुम लोग समझ ही रहे होगे। और गाइस जैसे ही मैं स्मेल को थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहा था गाइस मुझे ना लिटरली यार काफी अजीबोगरीबो विचेस मिल रही थी। पर खैर छोड़ो मैं ठहरा सुपर सेन आदमी ये लोग मेरा क्या ही बिगाड़ेंगे। और उसके बाद मैंने अपनी केआई पावर से उन सभी के सभी मॉब्स विचेस को मार दिया। वैसे कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई मुझे। और गाइस जैसे ही मैं उस महल के बाहर आया गाइस मुझे मिल चुका था एक अजीब सा मॉब और लिटरली उसके हाथ ना बहुत ही ज्यादा थे और वो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और गाइस जैसे ही रात बढ़ती गई मेरे सामने काफी अजीबोगरीबो मॉब्स आ रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो अभी इन पे फोकस नहीं करते हैं और इन्हें रहने देते हैं। पर गाइस जैसे ही सुबह हुई मैंने एक मॉब को तो मार लिया था और वो एक टाइटन ज़ॉम्बी था। और अब सुबह भी हो चुकी थी और मुझे लग रहा था और अब तो मुझे थोड़ी देर के लिए चैन मिल जाएगा। पर वैसे ही अचानक से रात हो चुकी थी और अचानक से डे 15 शुरू हो चुका था और मुझे नहीं पता कि टाइम ट्रेवल हुआ है या फिर कुछ और। मेरे सामने आ चुका था एक अंडरवर्ल्ड का बॉस और एक बंदा पहले से उसे मार रहा था और उसके बाद क्या था मैं भी उसे मारने लग चुका था। पर गाइस लिटरली यार वो ना मरने का नाम ले रहा था और उसका पावर लेवल भी काफी ज्यादा खतरनाक था। पर मैंने गोकू भाई की पावर्स को यूज करके उसको मार दिया था। और फाइनली अब जबकि मैंने इतने सारे मॉब्स को मार लिया है तो मैं कन्वर्ट हो चुका था सुपर सेन ब्लू मैन। और देखो यार मेरा ना लिटरली यार ये गोकू की सबसे फेवरेट फॉर्म है एक सुपर सेन ब्लू और साथ ही साथ एक वो भी है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और गाइस लिटरली यार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ना गोकू एकदम गॉड से भी ऊपर बन जाता है। और उसके बाद मैंने एक मॉब को और मारा और अब मेरे पास आ चुकी थी गोकू की गॉड फॉर्म। और अब मैं सोच रहा था कि चलो क्यों ना वेजिटो बना जाए और इसीलिए मैं ढूंढने लगा वेजिटा भाई को। और गाइस डे 20 को मुझे मिल चुके थे वेजिटा भाई और मुझे नहीं पता इसको बुलमा ने मारा है या फिर इसके साथ क्या हुआ है। ये ना कुछ लोगों के साथ मछलियां पकड़ रहा था और जो ये लोग है यार ये भी काफी अच्छे बंदे है। पर क्या तुम्हें पता है जैसे ही मैं वेजिटा भाई के पास पहुंचा मुझे ना कुछ जलपरियों ने अपना प्यार का मैजिक लिया था मुझ पर और इसीलिए हम दोनों की अट्रैक्टिव फोर्स कुछ ज्यादा बढ़ने लगी थी। और इसीलिए मैं समुद्र की परी के पास जल्दी से पहुंचने लगा और जैसे मैं उसके पास पहुंचा
तो मैंने उसे मार दिया। और इतना काफी नहीं था कि मुझे एक वो बड़ा वाला पोकेमोन होता वो भी मुझे मिल चुका था और वो भी मुझ पर अटैक करे जा रहा था। और इसलिए यार मेरा ना अभी बिल्कुल मूड नहीं था इसे लड़ने का, और इसलिए मैं आ चुका था वेजिटा भाई के पास। और मैंने वेजिटा भाई को बोला आओ फ्यूजन करते हैं, और उसने मुझसे कहा चल जा। पर आखिरकार डे के एंड में हमने फ्यूजन कर ही दिया। हाँ देखो फ्यूजन हो चुका है और मैं बन चुका हूँ वेजिटो। और गए उसके बाद मैं स्प्लेस से जाने वाला ही था कि इतने में उन सभी लोगों ने मुझ पर अटैक करना शुरू कर लिया था। और जैसे ही मैं उन सभी के घर के अंदर गया वहाँ पर मुझे एक अजीब सी चेस्ट मिली और साथ ही साथ मॉब स्पॉनर भी। और तब मुझे पता चल चुका था कि वो लोग मॉब थे ना कि ह्यूमन। और वहाँ पर एक साइन बोर्ड था और वहाँ पर लिखा था स्पॉन डेड मैन, और उस चेस्ट में उस डेड मैन को स्पॉन करने की सामग्री भी थी। और देखो यार मुझे ना अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को लाने के लिए जरूरत थी एक मॉब को मारने की। तो यार मैंने ना जल्दी से नेदर एग को स्पॉन किया, उसके ऊपर टॉर्चेस लगाई और कुछ रेडस्टोन भी लगाए और साथ साथ लाइटनिंग भी। और अब स्पॉन हो चुका था गाइस एक अलग ही गोस्ट। और इन भूतों से ना लड़ने का अलग ही मजा होता है। और कुछ भी बोला यार ये ना मुझे एकदम मिस्टीरियो वाली फीलिंग दे रहा था। पर गाइस जैसे ये मेरे सामने आया मैंने ना लिटरली वेजिटा और गोकू की दोनों की पावर्स मिलाई और उस पर अटैक कर लिया। और कुछ मिनट बाद ही मैंने इसे भी मार दिया, और से मार कर मुझे मिला काफी ज्यादा एक्सपीरियंस और सजत बहुत से एमरल्ड भी। और उसके बाद मुझे मिल चुका था वो हाथों वाला मॉब भी। तो मैंने इस अजीब से मॉब को मार दिया और अब फाइनली मेरे पास आ चुकी थी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और देखो यार मेरे पास लिटरली बहुत से हर्ट आ चुके हैं, गिने नहीं जा रहे। और तुम्हें कैसी लगी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट? और अगर अच्छी लगी तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। पर अगर अभी भी हमारा एम कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे एक लास्ट बॉस को तो मारना ही होगा। तो गाइस मैं ना इस जर्नी के बाद थक चुका था, पर अचानक से पता नहीं क्या हुआ और मेरे सामने आ चुका था एक अजीब सा मॉब। तो तुम्हें तो बताइए कि मैं ना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और मेरे पास लगभग बहुत सी पावर्स भी है। तो पहले इस मॉब ने मुझ पर अटैक किया और उसके बाद मैंने इस पर अटैक किया, पर कुछ भी को यार इस वाले मॉब ने काफी अच्छी टक्कर दिया मुझे। पर आखिर में जाकर मैंने इसे मार ही दिया। पर गाइस जहां तक मुझे लगता है कि अभी तक हमारी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है, मेरे पीछे पड़ चुका था एक अलग ही मॉब। और इस प्रकार हमारे 100 डेज की समाप्ति हो चुकी थी। और गाइस अगर तुम्हें और एनिमेज पसंद है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। तो चलो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।